वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। आज हम आपके लिए रीजनिंग का 9वां मॉक टेस्ट लेके आए हैं सीजीएसएल 2018 के लिए। दोस्तों इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। आपको हम गारंटी दे सकते हैं अगर आप हमारा 20 सीएचएसएल मॉक टेस्ट कवर कर लीजिए, खत्म करिएगा, आप एग्जाम निकालने के लिए बहुत ही सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है दोस्तों ये कि हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है, ठीक है। अब ऑड वन आउट इसमें से कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है, ठीक है। दोस्तों बहुत टफ नहीं है ये, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जी और टी है आपके पास, ठीक है। तो जी और टी के हिसाब से जाइएगा तो आपको क्या क्या यहाँ पे मिल सकता है वो देखिएगा। जैसे कि आप देखिए सी और एफ है आपके पास। सबसे पहले सी और एफ में देखते हैं, सी का वैल्यू कितना आता है 7, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हम देखेंगे, सॉरी सी का वैल्यू से हम स्टार्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं जी और टी का वैल्यू से, ठीक है। तो जी का वैल्यू कितना है एबीसीडी की तरह 7 और ए का वैल्यू कितना है 20, टी का वैल्यू कितना है 20, क्योंकि जी कितने नंबर पे आता है 7वें नंबर पे और टी कितने नंबर पे आता है 20वें नंबर पे। तो इन दोनों को प्लस अगर करेंगे तो कितना आएगा 27, ठीक है। सिमिलरली एच और के बीच में आइए तो एच का वैल्यू कितना आता है 8, ठीक है, और के का वैल्यू कितना आता है दोस्तों 11, तो इनको सम करिएगा तो कितना आएगा 19, ठीक है। सिमिलरली सी और एफ में सी का वैल्यू कितना होता है 3, एफ का वैल्यू कितना होता है 6, तो कितना हो गया ये 9। अब J और Q में आइए, J का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 10 और Q का वैल्यू कितना होता है 17, तो टोटल कितना हो गया 27। इन दोनों को ऐड करिएगा तो दोस्तों देखिए इन चारों नंबर में 27, 29, 9, 27 में से सिर्फ 19 जो है वो प्राइम नंबर है, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं है। हमारा ऑड वन आउट क्या हो गया इसमें से बी नंबर मतलब एच के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये, हमें इसमें से ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो दोस्तों इसमें देखिए अगर सबको आप अगर सब में देखिएगा फेट डीम जॉट आउट, इसमें क्या है देखिए सब में एक एक वोवल है ई आई ओ, बट आउट में क्या कितने वोवल है 2 वोवल, तो कितने ओ यू है ना, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बढ़ते हुए साथ देखते क्या है इसमें से अगला सवाल दोस्तों हमें फाइंड करना है ऑड वन आउट। तो मैं कोशिश चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करिए, नहीं हो रहा तो कमेंट में आप नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन देखिए मदद पढ़ना, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके कमेंट करिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपका हो गया होगा। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे हम, तो अगर पहला ऑप्शन में आइएगा आप तो पहले सूत्र क्या लिख सकते हैं हम लोग 81 प्लस 1 मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आप 65 को क्या लिख सकते हैं 64 प्लस 1 मतलब 64 का क्यूब प्लस 1, 20 क्या लिख सकते हैं सॉरी 8 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 26 क्या लिख सकते 25 प्लस 1 5 का स्क्वायर प्लस 1, और 15 को क्या लिख सकते हैं तुम लोग 14 प्लस 1, 14 किसका स्क्वायर नहीं है, इसको हम लिख सकते 16 माइनस 1 4 स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए बाकी सब में प्लस हो रहा है बट 15 में सिर्फ माइनस हो रहा है ना, तो हमारा 15 बी नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उससे रीजनिंग के क्वेश्चन से बड़े आसान है तो इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, बस सिंपली सॉल्व करते ही हो जाएगा। अगला दोस्तों ये इसमें हमें निकालना है, देखिए अगर 7 से 32 हो रहा है तो 28 से क्या होगा, ठीक है। अगर 7 इसका रेशियो ठीक से होगा दोस्तों देखिए अगर 7 से हम लोग 28 जा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरह अगर 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 128 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हुए सर देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, फाइंड रिलेटेड वर्ड्स हमें तुमसे निकालना है, कौन सा रिलेटेड वर्ड्स हो सकता है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा बी से क्या गया है, बी से गया है एच, सी से गया है आई, एफ से गया है एल और जी से गया है एम। दोस्तों सब में अगर देखिएगा आप डिफरेंस कितना है, बी से एच के इसमें 6 का डिफरेंस है, अगर ए बी सी डी का वैल्यू देखिएगा तो आप बी से एच के इसमें 6 का डिफरेंस है, ठीक है, सी से आई 6 का डिफरेंस है, एफ से एल 6 का डिफरेंस है, जे से एम 6 का डिफरेंस है। उसी तरह इसको कैसे लिखेंगे, सबका 6 6 डिफरेंस लिखेंगे, तो एन का 6 डिफरेंस के बाद क्या आता है टी आता है, ओ के 6 डिफरेंस क्या आता है डब्ल्यू यू आता है सॉरी,
और R के छठे पर X आता है, Q के छठे फ्रेंड पर W आता है, तो आंसर क्या हो गया TUXW दोस्तों, ठीक है, ये है हमारा आंसर। बढ़ते अगले सवाल, देखते क्या है अगला सवाल दोस्तों, ये है हमारा कि फाइंड रिलेटेड जो नंबर है उसको रिलेटेड फाइंड करना है। तो अगर जॉय के डिलाइट लिखा गया है तो ग्लूमी के लिए क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो मैं दोस्तों सोचता हूँ कि आपको पता होना चाहिए इसका मतलब से क्या क्या, देखिए इसमें क्या भाई जॉय और डिलाइट, तो जॉय और डिलाइट क्या है वो लगभग लगभग एक ही मीनिंग है, ठीक है, बट ग्लूमी और डल क्या है जो रिप्रेजेंट, सॉरी जॉय और डिलाइट क्या है एक ही तरह का मीनिंग रिप्रेजेंट है, दोनों खुशी को बताते हैं, ग्लूमी क्या दुख को या सैडनेस को बताता है, तो डल क्या हो गया इसका सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल तरफ, देखते हैं क्या है अगला सवाल है दोस्तों, विच वर्ड विल अपेयर इन लास्ट डिक्शनरी, इसमें बोला गया कौन सा वर्ड जो है लास्ट डिक्शनरी में अपेयर करेगा। तो देखिए देखिए, पहला का पी आर है, सबका सेम है ना, सबसे पहले देखिए सबका पी आर है तो सब एक पी आर को टेंशन नहीं। थर्ड लेटर में ये आई इसका अलग है तो ये सबसे पहले होगा ओ के बाद, क्योंकि ओ बाद में आता है, पहले आता है, तो ओ ओ ओ बाकी सब ओ ओ है तो हम लोग को इसको छोड़ देना है। फिर उसके पी आर ओ एस है, पी आर ओ एस इन दोनों में है और इसमें है, तो एम इसके पहले हो गया क्योंकि एस के पहले एम आता है, फिर देखिए एस टी आ गया, एस ई आ गया, तो ये एस ई हो गया, यहाँ पे एस टी हो गया, तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोस्ट्रेट, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब पढ़ते अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों बोले इन द ईयर कि इन द ईयर 2003 सम मंथ्स ऑफ 31 डेज, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ 21 डेज पूछा गया है दोस्तों, कि इसमें से सारे मंथ्स क्या है अक्टूबर, मतलब 2003 के कुछ महीने थे जिसमें कि 31 दिन थे, ठीक है। अब पूछा गया है हाउ मेनी मंथ्स ऑफ 28 डेज, मतलब देखिए दोस्तों ट्रिक वाला क्वेश्चन अब यहाँ पे नहीं यूज करिएगा, क्योंकि जस्ट इसमें आप ऐसा हो सकता है कि आपको लाइक हम वो यूज कर सकते हैं कि चलो सब में 28 दिन होते, वैसा नहीं होगा। तो पूछा फेली गया है कि हाउ मेनी मंथ्स ऑफ 28, कितने कितने कौन से महीने, कितने महीने में 28 दिन होते हैं, सिर्फ 28 दिन के बारे में पूछा गया है, 28 दिन भी होते या नहीं पूछा गया, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ एक महीना, वो कौन सा था, फरवरी, क्योंकि फरवरी ऐसा महीना जिसमें सिर्फ 28 दिन होता है, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल तरफ, देखते क्या है अगला सवाल दोस्तों, हमें जो देखिए सेकंड रो में दूसरा कॉलम में उसमें क्या दिया है इन्होंने कि क्वेश्चन मार्क हमें दिखाना है कौन सा है। दोस्तों अगर ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन की तरफ तो आपका देखिए 9 × 8 कितना होता है, 72, ठीक है। ठीक है, बस 9 × 2 कितना होता है, 8 × 2 कितना होता है, 72, ठीक है। और आपका 72 × 3 कितना होता है, 260। तो उसी तरह देखिएगा यहाँ पे 7 × 3 कितना, 21 × 2 कितना होता है, 268। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 6 × 5 30, तो 30 हो गया, हमको 900 लाना, तो डिवाइड करेंगे कितना से, 30 से, अगर 900 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले सवाल, देखते हैं क्या है अगला सवाल दोस्तों, हमारे पास ये सीरीज है JKL ABC MNO DF PQR GH, तो अगला क्या होगा, सिंपल दोस्तों, सिंपल आई बिठा दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए जो भी है तीन तीन पेयर में है, या पैसे देखते JKL है, L के बाद क्या था MNO, ये वाला पहुंच गया, MNO के बाद PQR, इसी तरह ABC DEF और GH I, ठीक है। बढ़ते के साथ देखते क्या है अगला सवाल है दोस्तों, हम लोग देखिएगा यहाँ पे तो दिया है क्या क्या है, वाई एक्स एच जी क्यू डब्ल्यू बी एफ ई यू टी डी सी एस। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सबको दो दो पेड़ लीजिए शुरू से, वाई एक्स एच जे क्यू डब्ल्यू बी एफ ई यू टी डी सी, सॉरी टी डी नहीं, यू टी डी एस और एस आर,
क्या है कि सब दो दो पेयर में लिया है लेकिन सारे अपोजिट में, ऐसा है। यहाँ पे क्या होगा, बी ए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी ए। ठीक है, बढ़ते के साथ देखते हैं क्या है इसमें से। दोस्तों हमें फिलअप करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल चीज है बहुत। तो अब देखिए, अगर जीरो का क्यूब, सॉरी नहीं, वन का क्यूब माइनस वन करिए कितना आएगा, जीरो। टू का क्यूब माइनस टू करिए कितना आएगा, सिक्स। थ्री का क्यूब माइनस थ्री करिए कितना आएगा, ट्वेंटी फोर। फोर का क्यूब माइनस फोर करिए सिक्सटी। इसी तरह फाइव का क्यूब, सिक्स का क्यूब, सेवन का क्यूब कितना, थ्री फोर्टी थ्री, थ्री फोर्टी थ्री। तो थ्री फोर्टी थ्री माइनस सेवन करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री थर्टी सिक्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, बढ़ते अपने सवाल, देखते हैं क्या है अगला सवाल है दोस्तों हमारा। ये बोला गया है, अ बुक हैज 300 पेजेस एंड ईच पेज हैज 20 लाइंस, ईच ऑफ 10 लाइंस ऑफ 10 वर्ड्स ईच। सिंपल दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कितने सारे वर्ड्स है, जितने पेजेस है, जितने पेजेस के लाइन है और एक लाइन में कितना वर्ड है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तुम्हारा मल्टीप्लाई करना है कितना में, 300 गुने 20 गुने 10, इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा दोस्तों, 360, 60,000। ठीक है, अब बढ़ते के साथ साथ देखते हैं क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि अगर 7 into 4 into 8 को 4 4 9 8 लिखा जाता है तो, और 365 को 9 लिखा जाता है, 695 लिखा जाता है, 5 नंबर को। देखिए दोस्तों बड़ा सिंपल सा तो नहीं है ये, और देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे देखिए नंबर, देखिए क्या है, 7 4 8 इक्वल टू 4 49 और 8। देखिए ये दोस्तों ये 8 तो यहाँ आ गया, ये जो 4 है इसको इन्होंने यहाँ लिख दिया है, और 7 का क्या किया, स्क्वायर करके 49 कर दिया है। सेम यहाँ पे भी क्या, देखिए ये जो 5 है, ये 5 ये लास्ट में है, ये 6 यहाँ चला गया, इसका स्क्वायर कर दिया है। तो हम इस फॉर्म को क्या करेंगे, 4 लास्ट में आएगा हमारा, 5 यहाँ पे आ जाए, सॉरी 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो स्टार्टिंग वर्ड 9, लास्ट वर्ड 5, 5 और 25, 9 2 5 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगली तरफ, देखते हैं क्या है। अब दोस्तों ये जो सवाल हमसे पूछा गया है, ये सवाल है यहाँ पे कि 1968 1969 1970 1971 में कितने लड़के जा रहे हैं, 113 88, क्वेश्चन मार्क 63 और 59। तो पूछा गया है 1970 में, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का ये लिस्ट दिया दोस्तों, तो पूछा गया 1970 में कितने पोस्ट ग्रेजुएट इसमें से गए होंगे, तो ये हमें निकाल के बताना है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करिए, तो उसमें आपको कहना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते थे उसको हम लोग, प्रैक्टिस करने का क्षमता बढ़े। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके तो सॉल्व करते रहिए, बहुत बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। दोस्तों हमारा पहला सवाल ये है जो इसमें, इसमें अगर आप देखिएगा ध्यान से कि अगर आप लोग 188 माइनस 25 करिएगा तो कितना आना चाहिए था, ये आपका 128 माइनस 25 करिएगा दोस्तों, 113 माइनस 88 करिएगा तो कितना आएगा, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर 88 माइनस 72 है तो ये किसका, 16 है डिफरेंस, 113 माइनस 88 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। अब दोस्तों लास्ट दोनों में आइए, 63 और 59 के बीच में, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपके पास, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। उसी तरह दोस्तों सब में स्क्वायर है, लास्ट में 2 का स्क्वायर है और शुरू में किसका स्क्वायर है, 5 का, तो बीच में बचते कितने हैं, 2। तो अगर शुरू का 5 है, लास्ट का 2 है, तो बीच का 3 4 बच जा रहा है, 4 3। उसी तरह अगर 18 माइनस 16 करेंगे हम लोग तो 72 आएगा, जो कि स्क्वायर हो गया किसका, 4 का। अब देखिए अगर 72 माइनस 9 करते हो तो हमको 63 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर अगर सही हो रहा है तो 72 हमारा आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन में गलत है कि गैस 73 नहीं है, 72 होगा दोस्तों।
ठीक है, बढ़ते हैं तरफ, देखते हैं क्या है। इफ क्राई इज रिटन एज एम आर वाई सी, अगर क्राई को एम आर वाई सी लिखा जा रहा है तो हाउ इज गेट रिटन, उसमें गेट कैसा लिखा जाएगा। तो उसमें देखिए क्राई को अगर आप सिंपली देखिएगा, क्राई को उन्होंने किया क्या है, ये हमारा क्राई हो गया, थोड़ा बड़ा सा क्राई है, ये आर वाई सी कर दिया, मतलब आर वाई सी और पहले में एम लगा दिया, तो एम इसमें लगना बनता है। तो ये क्या किया इन्होंने, पहले इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ ले आया और इसको यहाँ लेके आया, आगे एम लगा दिया। तो इसमें सबसे पहले एम आ गया हमारे पास, फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट लेटर पे ई आ जाएगा, सेकंड पे टी आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा। तो एम ई टी, एम ई टी जी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल दोस्तों, देखते हैं क्या है। इफ मदर इज कोडेड एज एन पी यू, एन पी यू आई एफ एस, बोला गया कि अगर मदर को एन पी यू आई एफ एस लिख सकते तो जेनिथ को क्या लिख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है बट बड़ा सिंपल है। आप दोस्तों देखिए, अगर मदर को एन पी, सिंपल देखिए, एम से क्या जा रहा है, एन, ओ से पी, पी से यू, एस से आई, ई से एफ, आर से एस, सब में कितने का डिफरेंस है, एक का। तो अगला क्या, सब ए का डिफरेंस हो जाएगा, तो हम जेड से आगे क्या जाएंगे, ए, ई से क्या जाएंगे, एफ, एन से क्या जाएंगे, ओ, ए एफ ओ तीनों ऑप्शन में है यार, आई का क्या हो जाएगा आपके पास, जे, तो ए ऑफ जे, सिर्फ ये क्या है, बी नंबर इसे करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या है अगला सवाल दोस्तों है हमारे पास। टू स्क्वाड्स ऑफ सोल्जर्स ए एंड बी आर फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द फॉलोइंग कमांड्स, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, व्हिच डायरेक्शन। दोस्तों देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान है आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और कमेंट में बताएं क्या आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, सैम हैज अ ब्रदर, एक सैम लड़का है, उसका भाई का नाम क्या, अंकित। सैम क्या है, कजन है, स्पेलिंग करते हैं यहाँ पे, रानी का। तो दोस्तों एक चीज देखिए, कजन है रानी का, तो एक तरह से क्या हो गया, अंकित और जो रानी कजन से रिलेटेड हो गया। उसके बाद क्या, रानी एंड सीमा सिस्टर, रानी और सीमा बहन है। अब सीमा कौन है, सीमा इज द वाइफ ऑफ अंकित फादर। तो हम लोग पूछ रहे हैं सीमा और कैसे, अगर सबको छोड़ दीजिए, तो लास्ट में देखिए, सीमा इज द वाइफ ऑफ अंकित फादर, अंकित की फादर है, सीमा क्या है, अंकित के फादर की वाइफ है, मतलब अंकित की माँ। अब सैम और अंकित क्या है, भाई है, तो सैम कैसे रिलेटेड उसके साथ, सीमा के साथ, उसका बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, दिया गया है ऊपर में देखिए 10 50 70 नीचे 5 20 फिर 15 20 70। दोस्तों एक चीज देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, कि 5 और 15 माइनस 5 कितना होता है 10, 70 माइनस 20 कितना होता है 50, उसी तरह कितना 100 में से कितना माइनस लेंगे 70 आएगा 30। ठीक है, बढ़ते बढ़ते देखते क्या है। अब दोस्तों बोला गया है कौन सा ऐसा वर्ड है जो डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं बनेगा। दोस्तों अगर सबको आप छोड़ दिया जाए तो ट्रिब्यूट, अगर देखिएगा लास्ट ऑप्शन जो है हमारा, ठीक है, ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ई है जो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास कि ऑल, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन में पूछे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या बोला कि ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, जितने एनिमल्स है वो सारे डॉग्स है। तो मान लीजिए ये एनिमल हो गया और ये भाई डॉग हो गया हमारे, ठीक है, ये ए हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, ऑल डॉग्स आर बर्ड, जितने भी डॉग है वो क्या है, सब पंछी, तो ये हमारा बर्ड हो गया। अब दोस्तों मेरे पास कंक्लूजन क्या है, ऑल एनिमल्स आर बर्ड, ऑल एनिमल्स आर बर्ड, तो ये तो सही है। अब बोला गया है ऑल डॉग्स आर बर्ड, बर्ड्स, ठीक है दोस्तों। तो ये शायद क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मुझे लग रहा है, तो लेट मी चेक क्वेश्चन वंस, देन आई कैन बी अश्योर दैट इट इज राइट और रॉन्ग। पहला है ऑल एनिमल्स आर डॉग्स और उसके बाद है ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, सॉरी लास्ट ऑप्शन लिखा दोस्तों वो ऑल डॉग्स आर बर्ड्स ही लिखा है कंक्लूजन में, कंक्लूजन में आइएगा, तो लास्ट में लिखा वो ऑल डॉग्स आर एनिमल्स,
तो वो दोस्तों है नहीं, ऑल डॉग्स एनिमल्स नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ वन फॉलो कर रहा है, टू नहीं, सिर्फ ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हुए साथ देखते क्या है। अब दोस्तों इसमें से पूछा गया है, स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड, ठीक है। पूछा गया इसमें से दिखा के बताना है कि कौन सा रीजन ऐसा है। दोस्तों देखिए, नंबर टू रीजन जो आप देखिएगा वो ऐसा रीजन है जो कि आपको दिखाएगा ऐसी लड़कियां जो कि एम्प्लॉयड है और अनमैरिड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू बी हमारा सही है। अगला सवाल दोस्तों ये, इसमें बोला गया है कि पेपर को फोल्ड किया गया एंड पंच्ड शोन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर्स फॉर द गिवन आंसर इंडिकेट हाउ विल अपीयर व्हेन ओपन। एक उसको पेपर को फोल्ड किया गया है, इस तरीके से उसको पंच कर दिया गया है, छेद कर देना बीच में, तो उसके बाद वो कैसा दिखेगा वो हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर ठीक से देखिएगा उसको, आप खोलिएगा सारा खोलिएगा तो सारे तरफ छेद रहेंगे, मतलब ऊपर भी बाएं भी बाएं भी और बीच में भी रहेगा क्योंकि बीच में उसको छेद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है इसमें, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला सवाल दोस्तों, सेलेक्ट द फॉलोइंग न्यूज़पेपर हिडन और एम्बेडेड, इसमें से कौन सा ऐसा इसमें एम्बेडेड हो सकता है। दोस्तों ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा फिगर्स को तो समझ में यहाँ से क्लियरली आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर कैसा लगा, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हमारा ऑडियंस बढ़े और ज़्यादा अच्छे वीडियो बना के लिए। दोस्तों अब दोस्तों हमने आपको CHSM के ऊपर ऑलमोस्ट नौ पेपर आपको दे चुके हैं, ठीक है। ये जो पेपर्स थे इनमें सारे क्वेश्चन कवर्ड अप है जो कि आपको जरूरत है CHSL एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इस नौ पेपर के सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो बड़ा अच्छा बात है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, आपके लिए अगला 11 पेपर जो आएगा वो आपका टेस्ट होगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि टेस्ट मतलब ये हो जाएगा आपका कि आप जितना उसको लिखिएगा और करिएगा, मतलब कि सिर्फ क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आपको सॉल्व करना है लाइन बाई लाइन और आंसर्स कमेंट्स में बताने हैं। जितना आप सॉल्व करिएगा सारे क्वेश्चंस को आपके लिए बहुत बेटर रहेगा दोस्तों, तो जरूर सॉल्व करिएगा और दोबारा आते हैं दोस्तों, कमेंट करिएगा अच्छे से और जरूर याद रखिएगा जो जितना भी कमेंट करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा उसके लिए हम प्राइज रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिए, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।